नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता YouTube चैनल। यूपी के गाजीपुर से खबर है, जहां बेरहम पिता अपने मासूम बेटे की जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी। पत्नी से झगड़े के दौरान आपा खोए पिता ने महज 4 साल के मासूम बेटे को बेरहमी से मार डाला। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला शाहदियाबाद क्षेत्र के गुरौनी गांव का है, जहां रहने वाले विजय राम का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। पति पत्नी के विवाद के दौरान आपा खोए पति ने अपने 4 माह के मासूम बच्चे को जमीन पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस अमानवीय घटना से इलाके के लोग सन्न हैं। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। बैठ के आलू छिलत रही तो बैठ के तू खात रहा अमरुद खात रहा कहत हम देख के ललचत ही हमको हमके देख के ललचे के रही तो हम कल जंगी पूरे अल्ट्रासाउंड कराओगे हम वही कीन के खा ले ले होती हम काहे के ललचब हमके ललचे के रही तो हम अब फोन कर दे अब्बे लेके आ जाइए लोग लगा खून सा के बोले के लेके आ जाइए के लेके आ जाइए हमको हमारे बताओ तो के लड़कवा से दिक्कत ना हमको हमारे लड़कवा ना रहे तबो हमके दिक्कत ये ना रहे जब हो गए हमारे लड़कवा हमके तबो दिक्कत ना हमके दिक्कत कौन बात कर रही ये बात फिर कहत हम कि अब्बे के हम मुआ देबो हम फिर चुप हो गई हम चुप होके हम आलू छिल लगे अब हम मुड़िया के आलू छिल गए जब पटक में धाए से ना आवाज करबे तो हम पीछे मुड़ के तक फिर दोबारा उठा के ईटा हमारे बच्चा को करीब 4 महीने का विजय कुमार तीसर का फिर छोड़ के हम ले ले वो ऊपर छोड़त रहा हमारा जो सूत के गलत रहा कितना महीना पहले शादी हुई 2 साल अभी भाई शादी भाई विजय कुमार नाम के शख्स हैं और गुरेनी के रहने वाले हैं थाना शादियाबाद में। इन्होंने कल इनकी पत्नी से इनका विवाद हुआ। बरेली में ये कुछ काम करते हैं घर पे आए हुए थे, पति पत्नी का झगड़ा हुआ। 4-5 महीने का नवजात शिशु है, बच्चे को पकड़ के पैर से इन्होंने ज़मीन पर पटक दिया, बच्चे की मौत हो गई मौके पर। FIR इस संदर्भ में दर्ज कर लिया गया था और इनकी आज गिरफ्तारी कर ली गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।